आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे सुना होगा, आपने ब्लू और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे भी पढ़ा और सुना है, पर क्या आपने पर्पल रेवोल्यूशन के बारे सुना है? जम्मू कश्मीर के सुंदर घाटियों में पर्पल रेवोल्यूशन नाम का एक यूनिक एंड वाइब्रेंट मोमेंट स्टार्ट हुआ जब वहां के किसानों ने यह फैसला लिया कि वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स की जगह एक बेहद ही सुगंधित और सुंदर फ्लावर लैवेंडर ग्रो करेंगे। एक्चुअली वहां के किसान जब एक कनाल भूमि पर मक्का ग्रो करते थे तो उनकी आमदनी 6,000 रुपए होती थी। जब उन्होंने लैवेंडर ग्रो किया तो उनकी आमदनी 30,000 रुपए हुई, यानी कि 5 गुना ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि लैवेंडर के डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। दरअसल लैवेंडर का ऑयल बनता है जिसका यूज कॉस्मेटिक्स, साबुन, परफ्यूम या मेडिसिन बनाने में होता है। अपार्ट लैवेंडर ऑयल में मेडिसिनल गुण होते हैं जिसकी वजह से इसका यूज एरोमा थेरेपी में भी होता है। लैवेंडर वैसे तो यूरोपियन पौधा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ठंडी क्लाइमेट की वजह से इसे बहुत सूटेबल फेवरेबल कंडीशंस मिला, जिसकी वजह से इसे यहाँ ग्रो करने का फैसला लिया गया। लैवेंडर का पौधा बहुत ज्यादा रख रखाव भी नहीं मांगता। एक पौधा 15 इयर्स तक फ्लावर प्रोड्यूस करता है और इसके ग्रो करने के जस्ट नेक्स्ट ईयर से ही हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अब यही सब गुण देखते हुए और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से भारतीय सरकार ने भी जम्मू कश्मीर के किसानों की इस पहल को सपोर्ट किया है। अपार्ट आजकल इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि लैवेंडर के फील्ड इन दिनों टूरिस्ट अट्रैक्शन बने हुए हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।